वेलकम बैक टू किड्स क्रो। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ इंग्लिश की वर्कशीट पार्ट 3 यूकेजी क्लास के लिए। तो चलिए बिना देर करते हुए अब इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग्स। अब यहाँ पे हमें 3 स्पेलिंग्स दी हुई है, उनको हमें जो करेक्ट है उसको हमें क्या करना है, सर्कल करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक करके यहाँ पे बता दिया है, जैसे कि आप बच्चों को बता सकते हैं एक करके। तो यहाँ पे देखो WOLF वुल्फ, और बाकी 2 स्पेलिंग्स दे रखी WOULF जो कि बिल्कुल गलत है, और WOULEF ये भी गलत है। तो वुल्फ की ये स्पेलिंग जो है बिल्कुल ठीक है और इसको हमें सर्कल करना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे CAMEL कैमल, CAMEL कैमल, और CANALE ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है कौन सा सही है, ये वाला सही है, तो इसको हमें क्या करना है, सर्कल कर देना है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर FRUIT फ्रूट, FROOT फ्रूट, FROIT ये पता नहीं क्या है, ये तो बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर देखो कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ये वाली स्पेलिंग एकदम सही है फ्रूट की। आपको पता है ना फलों की स्पेलिंग ये वाली सही है, तो ये वाली ही सर्कल करना है, ठीक है। और बाकी ये सबको छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो PARAT, PAROTT, PARROT पैरोट, ये वाली स्पेलिंग सही है तो इसको हम सर्कल कर देंगे। LOTUS पहले ही ये वाली स्पेलिंग सही है, अगर सही लगती है तो आप इसको सर्कल कर सकते हो। उसके बाद तो ये दोनों ही मिस्टेक है, देखो LOTUS ये नहीं होता है और LOTEUS ये भी नहीं होता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे LIGT ये गलत है, LIHTE ये भी गलत है, LIGHT ये लाइट, इसकी ये वाली स्पेलिंग सही है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर CHAIR, CHAIR, CHEIR, तो चेयर की कौन सी स्पेलिंग सही है, ये वाली सही है। तो इस तरीके से क्या होगा, स्पेलिंग बच्चे सीख जाएंगे और जो गलत है उसको छोड़ के हमें सही वाले को सर्कल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपोजिट वर्ड है, इसको कैसे करना है। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, अब अपोजिट वर्ड इसका लिखते जाना है फुल। फुल का क्या होगा अपोजिट वर्ड, फुल मतलब भरा हुआ, और फुल का उल्टा क्या होगा, एम्प्टी, क्या होगा, एम्प्टी। अब देखो गुड, गुड का बैड, आप गुड हो या बैड हो, गुड, आप बहुत गुड हो। बिग स्मॉल, ठीक है, फास्ट स्लो। उसके बाद देखो स्वीट, स्वीट मतलब क्या, मीठा, मीठा का क्या कहते हैं ना, खट्टा मीठा, तो इसीलिए शार, ठीक है, हैप्पी सैड। उसके बाद देखो वन, वन मतलब एक, और बहुत सारे तो मैनी। उसके बाद देखो फैट थिन, ठीक है। उसके बाद ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का क्या होता है, अगली, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर और अगली मतलब भद्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेली रूटीन। अब यहाँ पे रीडिंग करने के लिए सबसे पहले बच्चों को आपको दे देना है कि यहाँ पे कुछ सीक्वेंस दी हुई है, उनको रीड करें अच्छे से, और कौन सी चीज़ हमें पहले करनी होती है और कौन से बाद में, उस तरीके से यहाँ पर हमें लिख देना है। अब देखो यहाँ पे पहले रीड कर लेते हैं, रेडी फॉर स्कूल, नेक्स्ट देखो ब्रशिंग, नेक्स्ट ड्रेसिंग, उसके बाद वेकअप इन द मॉर्निंग, उसके बाद ब्रेकफास्ट। क्या पहले ही स्कूल के लिए रेडी हो जाएंगे, नहीं ना, उसके पहले क्या करना होगा, उठना होगा, वेकअप इन द मॉर्निंग, सबसे पहले उठना होता है, तो डी है वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो जब उठने के बाद क्या करते हैं, हम ड्रेसिंग नहीं करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते क्योंकि ब्रश नहीं किया, तो चलो ब्रशिंग के लिए यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं बी, ठीक है, हम पहले उठे उसके बाद ब्रश किया, ब्रशिंग। उसके बाद क्या करना है, ड्रेसिंग, सी, ड्रेसिंग, ठीक है ना। उसके बाद आप ड्रेसिंग करोगे, फिर आप करोगे ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, देन आप रेडी फॉर स्कूल, रेडी हो गए स्कूल के लिए। तो इस तरीके से आप हर चीज़ का, जैसे आप अभी ये मॉर्निंग का रूटीन है, आप इवनिंग का कुछ रूटीन दे सकते हैं, किसी भी चीज़ का रूटीन देके यहाँ पे बच्चे रीड करना सीख जाएंगे और उस तरीके से इसको सजाकर करेक्ट करके लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द बिगनिंग लेटर ऑफ ईच वर्ड। अब यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर्स दे दिए हैं, एक्चुअली बच्चों को पिक्चर्स के साथ क्वेश्चन करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए बीच बीच में एक पिक्चर देना बहुत ज़रूरी है। और देखो अब इसको कैसे करना है क्वेश्चन को, अब यहाँ पे देखो पहला क्या दे रखा है, कैरेट, कैरेट अच्छे से समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे बाकी की स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है, सिर्फ स्टार्टिंग वाला लेटर यहाँ पे लिख देना है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या आएगा कैरेट, सी। उसके बाद देखो यहाँ पे ये क्या है, लेमन, तो लेमन के लिए एल, LEMON, लेमन। अब देखो यहाँ पर ब्रेड, अब यहाँ पर देखो ब्रेड के लिए सबसे स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, बी, BREAD, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, फैन,
FAN फैन। अब यहाँ पे ये काइट, काइट में क्या आएगा KITE काइट। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या है ये बल्ब, तो बल्ब में BULB ठीक है बल्ब। अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड दे दिए गए हैं, अब इस वर्ड के अंदर जो लेटर, जो भी वॉवल लेटर है ना वो हमें सर्कल करना है। तो चलो देखो हेन है, हेन में देखो सबसे पहले कौन सा है, हेन में कौन सा है एच वॉवल है, नहीं कॉन्सोनेंट है, तो ई क्या है वॉवल है ठीक है। उसके बाद देखो MOON, अब ये डबल ओ दोनों ही तो क्या है वॉवल है, इन दोनों को सर्कल कर दो। BODY तो कौन सा है ओ। WATER वाटर कौन कौन सा है, W नहीं है, A है, T नहीं है, फिर E है, ये दोनों है ना वॉवल। उसके बाद देखो MONKEY ओ है, N नहीं है, K नहीं है, E है ठीक है। उसके बाद देखो पेंसिल, पेंसिल में क्या क्या है, P नहीं है, E वॉवल है, N नहीं है, C नहीं है, I क्या है हमारा वॉवल है। अब देखो ट्रेन, TRA हमारा वॉवल है, I हमारा वॉवल है ठीक है। अब यहाँ पे देखो TRUCK ट्रक, ट्रक में कौन सा है वॉवल हमारा U। इस तरीके से हमें वॉवल को सर्कल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे कॉन्सोनेंट को सर्कल करना है, तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे कुछ वर्ड इसी तरीके से दे दिए हैं जैसे कि हमने वॉवल को सर्कल किए थे, इसी में से लेटर को हमें करने हैं सर्कल जो कि कॉन्सोनेंट है ठीक है। तो CAR कार, अब इसमें ए को मत कर देना, ये वॉवल है, तो यहाँ पे क्या है ये सी और आर, तो सी और आर को हमने क्या कर दिया सर्कल कर दिया क्योंकि ये हमारे कॉन्सोनेंट है। उसके बाद देखो BOOK बुक, तो डबल ओ हमारा क्या है वॉवल है, तो हम किसको कर देंगे कॉन्सोनेंट को सर्कल कर देंगे। MILK तो एम हमारा क्या है कॉन्सोनेंट है, एल हमारा कॉन्सोनेंट है और के भी हमारा कॉन्सोनेंट है ठीक है। उसके बाद देखो सी कॉन्सोनेंट है, COLOURS कलर्स, अब यहाँ पे सी है कॉन्सोनेंट, एल है कॉन्सोनेंट, O और U वॉवल है, R और S कॉन्सोनेंट है। PEN पेन, PEN में देखो P कॉन्सोनेंट है, E हमारा वॉवल है उसको छोड़ देंगे और N हमारा कॉन्सोनेंट है। अब देखो विंडो, विंडो में देखो WINDOW, इसमें हमारा W कॉन्सोनेंट है, N कॉन्सोनेंट है, D कॉन्सोनेंट है और W कॉन्सोनेंट है। उसके बाद देखो ग्लास, GLASS ग्लास में G कॉन्सोनेंट है, L कॉन्सोनेंट है, A वॉवल है, S और S कॉन्सोनेंट है। उसके बाद देखो GLUE, जी फिर से कॉन्सोनेंट, एल कॉन्सोनेंट और यू और ई क्या है हमारा वॉवल। उसके बाद देखो कितनी बड़ी स्पेलिंग है यहाँ पे पाइन एप्पल, पर ये बहुत ही इजी स्पेलिंग है। चलो पाइन पहले देख लेते, PINE पाइन, तो इसमें पी है हमारा क्या कॉन्सोनेंट, आई वॉवल, उसके बाद एन कॉन्सोनेंट। एप्पल देखो ए हमारा वॉवल, उसके बाद डबल पी दोनों क्या है कॉन्सोनेंट, उसके बाद एल हमारा कॉन्सोनेंट ठीक है। इस तरीके से हमें सारे कॉन्सोनेंट को सर्कल करते हुए जाना है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको इसमें बोला था कि जैसे डेज ऑफ द वीक करवाए थे तो क्या किया था हमने कि स्पेलिंग पूरी पूरी बच्चों को लिखने के लिए नहीं दी थी, हमने क्या किया बीच बीच में डैश डैश दे दी जिससे बच्चों को इजी रहे लिखना और उनको प्रैक्टिस भी हो जाए। तो उसी तरीके से ये भी दिया है, देखिए यहाँ पे पहले क्या है HEAD हेड ठीक है। उसके बाद देखो MOUTH माउथ, उसके बाद LIPS लिप्स, उसके बाद EAR ईयर ठीक है। उसके बाद देखो EYE आई, HAND हैंड, FINGER फिंगर, LEG लेग, NECK नेक, NOSE नोज। इस तरीके से फिलअप्स देकर हम बच्चों को पार्ट्स ऑफ द बॉडी नेम प्रैक्टिस करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा राइट राइमिंग वर्ड्स। अब राइमिंग वर्ड्स आपको पता है किस तरीके से एक ही जैसे वर्ड हमें लिखने होते हैं, तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो राइमिंग वर्ड्स को लिखते हैं यहाँ पर 10। अब 10 का क्या हो सकता है पेन, हैन ठीक है ना एक ही जैसे। मेक, मेक का क्या हो सकता है केक, और क्या हो सकता है बेक। सन, सन का बन। फन, काइट, लाइट, और क्या हो सकता है बाइट। उसके बाद हट, हट का क्या हो सकता है नट और बट है ना। पैन, पैन मैन और कैन। डार्क, डार्क का मार्क, पार्क। उसके बाद देखो मिक्स, मिक्स का क्या हो सकता है सिक्स एंड फिक्स है ना, मजेदार राइमिंग वर्ड्स। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखने की और पढ़ने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें सिंगुलर प्लूरल करने हैं यहाँ पर, यहाँ पे हमें सिंगुलर दे रखा है, हमें इसका प्लूरल लिखना है। जैसे हिंदी में होता है ना एक वचन बहुवचन, उसी तरीके से इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिखा है डिश, डिश का क्या होगा सिर्फ एस नहीं लग जाता, यहाँ पे एस ई एस दोनों लगते हैं ठीक है। डिश, डिश के साथ क्या लगेगा डिशेस होने के लिए ई एस लगेगा ठीक है। बॉक्स,
बॉक्स के साथ भी ई एस, मैंगो, मैंगो के साथ बी ई एस, एम एन जी ओ ई एस, मैंगोज। रैट, रैट के साथ क्या लगेगा, सिर्फ एस लगेगा, रैट्स। अब देखो एम ए टी सी एच, इसके साथ क्या लगेगा ई एस, मैट्स। बुक, बुक्स, सिर्फ एस लगेगा। बॉय, बॉय के साथ भी सिर्फ एस लगेगा। उसके बाद देखो बस, बस के साथ क्या होगा, ई एस लगेगा। मैन, मैन के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। यहाँ पे देखो मैन, एम ए एन मतलब मैन, एक आदमी, और एम ई एन मैन, बहुत सारे आदमी, ठीक है, यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगेगा। वुमेन का भी सेम, डब्ल्यू ओ एम ई एन, वुमेन, ठीक है, और हैंस एच ई एन एस। यहाँ पे मैन और वुमेन को छोड़ के बाकी सब में एस ई एस लगेगा। और यहाँ पे मैन, एम ए एन मैन जो होता है वो एक आदमी, और एम ई एन मैन ये होते हैं बहुत सारे आदमी। और वुमेन का भी सेम, डब्ल्यू ओ एम ए एन वुमेन, एक औरत, और डब्ल्यू ओ एम ई एन बहुत सारी औरतें, वुमेन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डू यू नो अबाउट टेस्ट। अब हमें यहाँ पे टेस्ट के बारे में लिखना है। अच्छा, कौन कौन से टेस्ट होते हैं आपको पता है? तो चलो सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या होता है सबसे पहले, मीठा है ना, स्वीट, क्या होता है, स्वीट। और कैसा कैसा लगता है आपको जब आप ईट करते हो, तो कैसा टेस्ट आता है, सॉल्ट है ना, नमकीन, शार, खट्टा, बिटर, कड़वा, कड़वा लगता है ना, कड़वा चीज खाते हो। उसके बाद तीखा, स्पाइसी, तीखा लगता है, तीखा अच्छा लगता है, कौन कौन तीखा खाता है, कोई नहीं खाता। चलो इस तरीके से ये क्या है, ये हमारे टेस्ट है। चलो आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो आप इसी तरीके से बच्चों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हैं वर्कशीट के थ्रू। तो ज़रूर बताइएगा मुझे आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो दूसरों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।